रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरा देश कृष्ण भक्ति में लीन है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सभी बड़े प्रेम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और आज जगह जगह पर भव्य कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो लखनऊ में भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भक्तिमय माहौल है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है और सभी भक्ति में लीन है। और अब आपको लेके चलते हैं सीधा लखनऊ की पुलिस लाइन में, जहां पे कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां पर कई कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, जहां सभी हरे रामा हरे कृष्णा के गुण गाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विभांशु। विभांशु, इस वक्त कैसे माहौल है पुलिस लाइन में, क्योंकि हर बार भव्य तरीके से मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव और आज भी मनाया जा रहा है, आज क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? जी, आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश और साथ ही साथ विश्व भर में जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो आज जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और इस वक्त मैं लखनऊ के पुलिस लाइन में हूँ, जहाँ तस्वीरों में देख सकती हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु जो कृष्ण जन्माष्टमी है इसको उपलक्ष्य पर आज पूजा अर्चना करने आए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पुलिस लाइन है लखनऊ का, जहाँ पे लगभग जो भी तैयारियां हैं, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, ये पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। वहीं आप देख सकती हैं तस्वीरों में कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहां आए हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि आज जहां श्री कृष्ण को जन्माष्टमी कहीं ना कहीं 18 को मनाया जा रहा है, वहीं आज 19 को कहीं मनाया जा रहा है। इस बार का जो जन्माष्टमी है वो दो दिनों पे मनाया जा रहा है, 18 और 19। अगर बात की जाए तो मथुरा से लेकर और देश के हर एक कोने में जन्माष्टमी की जो पूजा अर्चना है वो पूरे तैयारियां जो है वो आप देख सकते हैं कि किस हद तक। और साथ ही आपको बताएं कि इस बात की जाए तो यहाँ झांकी भी बनाई गई है, जिसमें जो श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव है उसके जो तमाम जो मॉडल है, जो तमाम चीजें हैं, उसको दर्शाया गया है कि एक झांकी के माध्यम से श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को झांकी के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि श्री कृष्ण का जन्म जो है वो कृष्ण पक्ष के भादो काल में हुआ था। वहीं आपको बताएं कि सिखा कि श्री कृष्ण के जन्म के समय उनका जो जन्म था वो जेल में हुआ था। वहीं आपको बताएं कि वासुदेव और उनकी जो माता थी वो दोनों जेल में थे। और आपको बताएं कि उनके जो मामा थे कंस, उनके एक आकाशवाणी हुई थी कि आपको जो इनके वासुदेव के 8वें संतान होंगे उनके द्वारा आपके विनाश होगा। तो इसको लेकर जो कंस थे वो श्री कृष्ण को मथुरा, जो कि जहां मंदिर है, उस काल कोठरी में बंद कर देते हैं। और जब ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस समय जो जेल की बेड़ियां होती हैं वो खुल जाती हैं। वहीं आपको बताएं कि खुलने के बाद एक आकाशवाणी होती है जिसमें कहा गया कि भगवान की तरफ से कि कंस, जो तुम्हारे वध करने के लिए जो हमने 8वां पुत्र की जो है वो हो चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि जिसके बाद जो वासुदेव थे और साथ ही साथ जो श्री कृष्ण की माता जी थी, उन वो वासुदेव लेकर और अपने पुत्र को और वो निकल पड़े, जेल से बाहर निकल पड़े और जेल की बेड़ियां खुल गई थी। जिसके बाद आपको बताएं कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद से अब आप देश भर में देख रही है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और अब तस्वीरों में देख सकती है कि श्रद्धालु अपने घर से कुछ लोग व्रत रखे हैं, साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण को अंजीर यानी कि धनिया के पाउडर से बने अंजीर से पहले भोग लगाया जाता है। वहीं मान्यताओं के अनुसार अगर कोई इन तमाम पूजा विधियों को नहीं करता है तो महज एक तुलसी के पत्ते से वो पूरे पूजा अर्चना भोग लगाकर कर सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो श्री कृष्ण के छोटे रूप होते हैं लड्डू गोपाल, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। जय सखा। देख सकते हैं
हैं, बड़े ही भक्ति भाव से लोग पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सुबह से ही लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करी जाए इस बार की, क्योंकि पिछले दो बार से कोरोना का साया मंडरा रहा था जिसकी वजह से लोगों की भीड़ नहीं लग पा रही थी, लेकिन इस बार कोरोना का साया कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है। जो भक्त है वो खुलकर भगवान के दर्शन के लिए भीड़ भाड़ में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भीड़ देखने को मिल रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ तैयारियां अलग की गई है। जी बिल्कुल शिखा, अगर देखा जाए तो दो साल के कोरोना के काल के बाद इस बार का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो बेहद भव्य तरीके से आप देख सकती हैं कि हर एक जगह मनाया जा रहा है। देश में, विदेशों में जो श्री कृष्ण के मानने वाले लोग हैं उनके द्वारा भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। जन्मोत्सव की जो तैयारियां होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज रात 12 बजे श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि जेल के अंदर में भी पूजा अर्चना की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए शिखा तो खास तौर से जो जेल होता है, जेल की कोठरियों में श्री कृष्ण लला का जो मंदिर होता है उसे स्थापित करते हैं और मुख्य रूप से जेल के अंदर में मनाया जाता है। और इस बार जो कोरोना के काल के बाद लोग बेहद भव्य तरीके से इस बार जन्माष्टमी को मना रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह का प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जो आपदा आई थी ऐसे आपदा ना आए। और वहीं अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से दो साल तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मना पाए थे लोग, मगर इस बार बेहद भव्य तरीके से मना रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इस वक्त जहां मैं पुलिस लाइन में मौजूद हूं वहां सूबे के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, साथ ही साथ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, वहीं अगर बात की जाए तो पीडब्ल्यू मिनिस्टर जितिन प्रसाद भी दर्शन करके गए हैं। मैं आपको मंदिर के अंदर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकती हैं कि किस संख्या में लोग आए हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मैं आपको मंदिर के अंदर लेना चाहूंगा और दिखाऊंगा कि ये शिव जी का मंदिर है जो यहाँ स्थापित है, यहाँ पे भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही जो यहाँ पे झांकियां बनाई गई हैं, झांकियों को देख रहे हैं। वहीं आपको हम ले चलना चाहेंगे कि आप ठीक सामने आप देख सकती हैं कि हरे राम के गूंज से पूरा ये जो प्रांगण है वो भक्तिमय है। हर व्यक्ति अगर बात की जाए तो हरे राम के जाप कर रहा है। वहीं अगर शिखा आपको बताएं कि श्री कृष्ण के द्वारा तमाम ऐसे धर्म के अंदर में उपदेश दिए गए जिसको लोग मानकर आज कहीं ना कहीं मनुष्य प्रवृत्ति पे जी रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बेहद अलग ढंग से पूरा देश और विदेशों में मनाया जाता है और जिसमें उनके छोटे आकार लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें अनेक तरह के भोग लगाए जाते हैं। चाहे बात की जाए धनिया पंजीर या बात की जाए मेवा के पाक, ऐसे तमाम जो पूजा में जो तमाम प्रसाद होते हैं उसको चढ़ाया जाता है। और रात के 12 बजे जैसे जन्मोत्सव होता है तो ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो तमाम मंदिरों में वैसे ही जन्मोत्सव मनाया जाता है जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय सभी दरवाजों को खोल दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए जेलों की तो तमाम जो अति संवेदनशील जेल हैं उनको छोड़कर देश के सभी जेलों के जो बेड़ियां होती हैं उसको खोल दिया जाता है। जैसे कहा काफी चहल पहल देखने को मिल रही है, भजन कीर्तन देखने को मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कितने बजे तक, क्योंकि 12 बजे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया ही जाएगा, लेकिन जो मंदिर है वो कितने बजे तक खुले रहेंगे आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिरों के जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले हैं, क्योंकि देखा जाए तो आज के दिन कहीं भी कुंडी नहीं लगाई जाती है। किसी मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में कुंडी नहीं लगाई जाती है। माना ये जाता है कि श्री कृष्ण के जन्म के वक्त सभी लोग अपने जो मंदिर होते हैं, या वो घर का मंदिर हो, या वो जेल के अंदर में स्थापित मंदिर हो, या वो अस्थाई मंदिर हो, सभी जगह के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, साथ ही साथ मंदिर पूरी बात खुली रहती है। इसी क्रम में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो पूजा अर्चना करने आए हैं कि आखिर वो श्री कृष्ण की पूजा करने आए हैं। और मैम हमें ये बताएं कि राधे राधे, हमें ये बताएं कि पिछले दो सालों से कोरोना के प्रकोप की वजह से कहीं ना कहीं जन्माष्टमी फीकी पड़ी है, इस बार लोग बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतने दिन बाद जो है बहुत भीड़ में आने का मौका मिल रहा है, सब घर में दो प्रभु का दर्शन मिल रहा है, सबसे मिलने का वो प्राप्त हो रहा है सौभाग्य, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जी बिल्कुल, इसी क्रम में आप देख सकती हैं शिखा की तमाम लोगों की उत्सुकता से आप समझ सकती हैं
कि कैसे लोग उत्सुक हैं जन्मोत्सव को लेकर, क्योंकि दो साल के कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं ये त्योहार फीके पड़े थे, मगर इस बार जो देखा जाए तो लोग पूरे खुली आजादी के साथ त्योहार को मना रहे हैं, जन्मोत्सव को लिए पूरे उत्सुक हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनके मुताबिक क्या कहते हैं वो। आंटी, आपसे एक सेकंड हम बात करना चाहेंगे। दो साल के कोरोना काल के बाद इस बार श्री जन्माष्टमी को बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हमें पूजा अर्चना के बारे में कुछ बताएं कि कैसे आप पूजा करेंगे? बहुत अच्छा पूजा हो गया, बहुत अच्छा सुख से भगवान सब शुभ कर रहे हैं। माना ये जाता है कि श्री कृष्ण का जो श्री कृष्ण का जन्म है वो रात में हुआ था 12 बजे, तो कैसी तैयारियां की गई हैं और कैसे इस उत्सव को आप मनाएंगे? तैयारियां बहुत अच्छी की गई हैं और इसको बहुत उत्साह के साथ मनाएंगे। जी, तो शिखा, आप देख सकती हैं कि तमाम लोग अपने आस्था को लेकर मंदिर से लेकर अपने घर में स्थापित जो मंदिर है उसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उन बच्चों को भी दिखाएं जो छोटे छोटे राधा कृष्ण बनकर भी आए हुए हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी माँ ने सजाया हुआ है और बाल गोपाल का रूप बनके वो मंदिर में श्री कृष्ण का दर्शन करने आए हैं। जी शिखा, आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दिन जो बाल गोपाल होते हैं उसे मुख्य रूप से देखा जाए तो तमाम माएं अपने बच्चों को श्री कृष्ण की वेशभूषा में तैयार करती हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये मंदिर की सीढ़ी है जहां नन्हे नंद गोपाल के वेश में एक बच्चे बैठे हुए हैं। इनका साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहाँ तमाम राधा के वेश में, कुछ श्री कृष्ण के वेश में बच्चे बैठे हुए हैं। और यहाँ पुजारी जी से भी हम बात करेंगे कि श्री कृष्ण जो जन्मोत्सव है उसकी तैयारियों को लेकर क्या क्या मंदिर में तैयारी की गई है। पंडित जी, हमें ये बताएं कि दो साल के कोरोना काल के बाद इस बार लोग बड़े उत्साह से श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जन्माष्टमी, अब कोरोना तो था ही, जैसा सभी लोग परेशान थे इन सब चीज़ों से, और जो तैयारियां हैं वो बहुत अच्छे से की गई। हमारे अधिकारी लोग और जितने भी पुलिस अधिकारी गण हैं काफ़ी मदद किए हैं, काफ़ी हेल्प किया है उन्होंने, और पिछले साल के उससे जो है काफ़ी उन्होंने पैसा भी अच्छा खर्चा किया है, काफ़ी अच्छा। आप देख भी रहे होंगे, कवरिंग भी आपने की है। तो अच्छा, हमें ये बताएं, जो पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण जी का जन्म देर रात 12 बजे हुआ था, तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, कैसे पूजा अर्चना की जाएगी? पूजा अर्चना वही 11:30 बजे शुरू होगी, और उसकी तैयारी जो सामग्री जो भी थी वो अधिकारियों ने ला के दे दी है, और शायद RI साहब ही जन्म कराएंगे और पंडित जी हमारे वहाँ आगे बैठे हैं मेन जन्म कराने वाले। अच्छा, अगर हम प्रसाद की बात करें जो भोग में श्री कृष्ण लला को चढ़ाया जाता है तो किन किन चीजों से श्री कृष्ण जी को पसंद किया जाता है? मेन उनका माखन मिश्री भोग है और फल फ्रूट सारे आए हुए हैं, और जो प्रसाद वितरण होगा वो गेहूं का चूर्ण है, पंचामृत है, गंगा जल है, तुलसी दल है, ये सब प्रसाद अर्पण किया जाएगा पूरी पब्लिक को वो 12 बजे के बाद। कहा जाता है कि धनिया से बने पंजीव का बेहद महत्व है इस त्योहार के दिन, उसका क्या महत्व है और क्यों उसे चढ़ाया जाता है? महत्व अब इतनी गहरी जानकारी हमें नहीं है, वो आपको पंडित जी ही बता पाएंगे कि उसका क्या महत्व है, लेकिन धनिया ही बाल गोपाल भी बैठे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए, उनको कैसा लग रहा है कृष्ण बन के, क्या उनके पास उनकी मुरली है या नहीं है? जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि साक्षात श्री कृष्ण के रूप में नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ श्री कृष्ण की पोशाक में बैठे हुए हैं। बेटा, कैसा लग रहा है आप श्री कृष्ण के वेशभूषा में वस्त्र में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे श्री कृष्ण को लेके? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दें कि ये बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हिचक में है बोलने से। हम कुछ और यहाँ आप देख सकती हैं कि राधा के भी वेश में बच्चियाँ आई हुई हैं। श्री कृष्ण को आपको दिखाया हमने, यहाँ आप देख सकती हैं कि राधा के वेश में एक बच्ची आई हुई है, और साथ ही आपने कृष्ण लला को भी देखा। अब आपको बताएं कि यहाँ खास तौर से जो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही साथ जो श्री कृष्ण जी के छोटे रूप होते हैं लड्डू गोपाल उनकी भी पूजा की जाती है। बच्चों को जब कृष्ण बनाया है आज, उनको कैसा लग रहा है? कुछ बच्चे कृष्ण बने हैं, कुछ बच्चे राधा बने, क्या सोच के बनाया है, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में अपने बच्चों को राधा कृष्ण बना के?
जी बिल्कुल, हम जरूर बात करेंगे, मगर सिख आपको बताएं कि ठीक 12 बजे ये जो पुलिस लाइन स्थित मंदिर है, यहाँ तमाम जो जिम्मेदार हैं, बड़े अफसर हैं, उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं और देर रात उन्हें पूजा अर्चना की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि यहाँ साक्षात श्री कृष्ण के रूप में एक नन्हे मुन्ने बालक को तैयार किया गया है। हमें ये बताएं कि आप श्री कृष्ण के रूप में बच्चे को तैयार करके लाए हैं, क्या कहेंगे? कि ये जो महोत्सव एक तरह से जन्माष्टमी है, ये हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो जिसमें कि हम लोग बच्चों को अपने कान्हा बनाते हैं, जो भी छोटे बच्चे होते हैं, जो हमें लगते हैं कि हाँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे भगवान का रूप ऐसा मानते हैं। अच्छा, देर रात श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, कितनी उत्सुकता है, बच्चे को तैयार करके लाए हैं? बहुत, दोपहर से तैयार किया था इसी रात के लिए कि आएंगे यहाँ पे मंदिर में हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी, तो आप देख सकती हैं सिखा कि साक्षात श्री कृष्ण के रूप में यहाँ एक बच्चे को श्री कृष्ण की वेशभूषा में तैयार किया गया है। वहीं हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि मान्यताओं के मुताबिक जो श्री कृष्ण के छूटे रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है आज के दिन, उसके लेकर उनके अंदर क्या उत्सुकता है। इसी क्रम में आप देख सकती हैं कि तमाम नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, उनके माता पिता आए हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद देखा जाए तो इस बार का जो जन्माष्टमी है वो काफी उत्सुकता से लोग मना रहे हैं और 2 साल फीका रहा है, क्या कहेंगे आप? काफी धूमधाम सुना जा रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। हम सब अपने बच्चों को लेकर आए हैं, जैसे हम हमारे और भी गार्जियन लेके आए हैं अपने अपने बच्चों को, यही हम लोगों के लिए भाग्यशाली है। ऐसी आपदा दोबारा ना आए, हम लोग प्रभु श्री कृष्ण से कामना करेंगे और यही प्रार्थना करने आए हैं। खुशहाली है आज हम सभी, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा सजावट है और सभी कारीगरों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना अच्छा सजाया है, इतनी मेहनत किया है, उसे देखने दूर दूर से लोग आए हैं, धन्यवाद। अगर तैयारियों की बात की जाए तो आप मंदिर में या अपने घर में भी आयोजन रखे होंगे जहां श्री कृष्ण जी की अस्थायी प्रतिमा स्थापित किए होंगे, उसकी तैयारियां कैसी हैं और क्या क्या भोग के रूप में तैयार किए हैं? कृष्ण भगवान तो हमारे कुल के भगवान हैं, तो हम लोगों की तैयारियां स्वाभाविक हैं। और रही बात घर की, घर में भी हम लोगों ने तैयारी कर रखी है और जैसा कि देख रखे हैं जगह जगह तैयारियां हैं, पुलिस लाइन में तैयारियां हैं, छोटी छोटी जगहों मंदिरों में तैयारियां हैं, हम लोग देखने को मिल रहा है। ये प्रभु की कृपा से सब तैयारियां हो रही हैं और हम लोगों का बस सहयोग है, सभी कारीगरों का सहयोग है, हम लोगों का सहयोग है, ये हम लोगों के लिए सुखद पल है। जी शुक्रिया। तो आपने सुना सिखा कि तमाम लोगों के अंदर उत्सुकता है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर, साथ ही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि श्री कृष्ण की जन्मोत्सव के अवसर में आज तमाम जगहों पर झांकी भी बनाई गई है। झांकी को एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि झांकी में आखिर क्या तैयारियां की गई है, साथ ही किस तरह से लोग यहां झांकी को देखने के लिए आए हुए हैं। वहीं आप देख सकती हैं कि श्री कृष्ण जी की झांकी बनाई गई है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो श्री कृष्ण जी की झांकी को दिखाएं। यहां ठीक आप देख सकती हैं कि शेषनाग के ऊपर श्री कृष्ण जी सवार हैं। साथ ही आप ठीक पीछे देख सकती हैं श्री कृष्ण जी की वो तस्वीर रखी है जो अंदर मंदिर बनाया गया, उसे 12 बजे उसके कपाट को खोला जाएगा और उसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। मगर आप देख सकती हैं कि अभी हल्की बारिश है, जिसके बाद भी जो दर्श है, जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके अंदर जो उत्साह है श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर वो कम होते हुए नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्री कृष्ण की महिमा है कि आज लोग उनके जो तमाम उनको धन्यवाद दे रहे हैं, साथ ही साथ उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो कोरोना काल था ऐसी आपदा अब फिर ना आए। यहाँ हमारे साथ एक आंटी है, उनसे भी हम बात करेंगे। आंटी हमें ये बताएं कि 2 साल के इंतजार के बाद, कोरोना काल के बाद, इस बार बेहद अच्छे ढंग से लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आपके अंदर? बहुत उत्सुकता है। क्या क्या तैयारियां की गई है? ये तो हम नहीं बता सकते। सिखा, तो आप देख सकती हैं कि यहाँ तमाम लोग झांकी को देखने हुए आए हैं और देखने के साथ साथ यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जो श्री कृष्ण के पिता थे वासुदेव, वो यमुना नदी के अंदर से श्री कृष्ण को लेकर और वृंदावन गए थे, उसकी तस्वीर को मैं दिखाना चाहूंगा कि जन्म के बाद जो बेड़ियां खुली थी उसके बाद वासुदेव यमुना के पार करते हुए वो वृंदावन गए थे, उस तस्वीर को भी यहाँ रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ श्री कृष्ण और राधा की भी तस्वीरों को लगाया गया है
वहीं आप देख सकते हैं कि शेष नाग के ऊपर श्री कृष्ण जी का नृत्य भी दर्शाया गया है। वहीं अब मॉडल के रूप में यहां यमुना नदी भी बनाई गई है। वहीं अगर देखा जाए तो ठीक 12 बजे ये जो मंदिर का कपाट है उसको खोला जाएगा, जिसके बाद यहाँ के तमाम अधिकारी जिम्मेदार पूजा अर्चना करेंगे। जी बिल्कुल, बने रहिए विभाजियों हमारे साथ, हमें अपडेट देते रहिए, क्योंकि आज रात 12 बजे तक नहीं, उसके बाद भी इस तरह का जश्न चलता रहेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव काफी खास है, क्योंकि श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में है, और आज ये जश्न मनाते रहेंगे। प्राइम टीवी पर भी पूरे वक्त हम आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ सहयोगी हमारे हर जिले से जुड़े रहेंगे और हर मंदिर के हम दर्शन भी करवाते रहेंगे हमारे दर्शकों को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रासलीला का जो दृश्य बनाया गया है, झांकी बनाई गई है, हर एक मंदिर में अलग अलग तरह से सजाया गया है, कहीं रासलीला तो कहीं जेल के अंदर कैद नजर आ रहे हैं वासुदेव और कृष्ण, तो कहीं पे नदी पार करते हुए कृष्ण की झांकी बनाई गई है। इसी तरह की तमाम झांकियां हम आपको दिखाते रहेंगे, हर एक मंदिर का दर्शन कराते रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, सिर्फ नजर बनाए रखिएगा प्राइम टीवी पर।